प्रिय विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम मूल अधिकारों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने मूल अधिकारों के अर्थ एवं उनकी आवश्यकता के बारे में बताया था। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। हमारे यहाँ संविधान के माध्यम से नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और अब यह एक कानूनी अधिकार रह गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इनमें पहला समानता का अधिकार है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में किया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका प्रावधान किया गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसका अनुच्छेद 23 से 24 तक प्रावधान किया गया है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को ये 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हम अलग अलग चर्चाएं करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस अधिकार के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और उनके साथ कौन कौन से अपवाद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम समानता का अधिकार लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत में सदियों से सामाजिक विषमताएँ मौजूद रही हैं, और इन असमानताओं या विषमताओं को दूर करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, ताकि जो विषमताएं हैं वो समाप्त हो सकें और एक समानता पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सके। इनमें जो प्रावधान किया गया है वो पहला प्रावधान है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो बातें प्रमुख रूप से सामने आती हैं। एक तो आती है विधि के समक्ष समानता और दूसरा आता है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है, और जिसका अर्थ होता है, जैसा कि सर आइवर जेनिक जी ने लिखा है, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। तो ये विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता है कि व्यक्ति की हैसियत कुछ भी हो, उसका पद कुछ भी हो, लेकिन कानून का प्रभाव है, कानून का जो परिणाम है, कानून का जो व्यवहार है वो एक जैसा रहेगा, उस पर परिस्थितियों एवं व्यक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। यह हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है, जिसका अर्थ है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। दूसरा सामाजिक समानता की स्थापना के लिए अनुच्छेद 15 में प्रावधान किए गए हैं। हम जानते हैं कि भारतीय समाज में धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बहुत सारे सामाजिक असमानताएं रही हैं, भेदभाव किए जाते रहे हैं। इन असमानताओं और भेदभावों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में इसका प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे, और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है कि
किसी भी तरह से जो सरकारी सेवाएं हैं उन सरकारी सेवाओं को, सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में, सरकारी लाभ को प्राप्त करने में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें अपवाद जुड़ा हुआ है। अपवाद ये है कि जो समाज का कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन वर्गों के उत्थान के लिए, इन वर्गों को राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, इनके लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। ये इसके अपवाद में शामिल है। 80 प्रतिशतता का अंत, अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान किया गया है। भारत में सदियों से एक सामाजिक बुराई विद्यमान रही है जिसे हम छुआछूत या अस्पृश्यता के नाम से जानते हैं, और इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि 80 प्रतिशतता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 80 प्रतिशतता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। तो इस तरह से न केवल छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया है बल्कि उसे एक दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया है। तो इस तरह से इस बुराई को दूर करने के लिए अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है क्योंकि जो उपाधियां होती हैं वो नागरिकों के जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती हैं, और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में ये प्रावधान किया गया है कि सेना अथवा शिक्षा संबंधित उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता है। इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत सरकार ने 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसी उपाधियां प्रदान की जाती रही हैं। इस व्यवस्था को यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि उपाधियां प्रदान करने की यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक संगत रूप में और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। यानी जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, बशर्ते कि जो भी उपाधियां प्रदान की जाए वो सारी विवेक संगत होनी चाहिए और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। अब समानता के अधिकार के कुछ अपवाद भी हैं जिनका प्रावधान भी संविधान में किया गया है कि यद्यपि ये समानताओं का उल्लेख है लेकिन साथ में नागरिकों के मध्य जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर राज्य को कुछ छूट दी गई है कि वो समाज के कमजोर वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो ये अपवाद के रूप में भारतीय संविधान में इनको भी स्थान दिया गया है। जैसे सामाजिक समानता के बावजूद समानता को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्य स्त्रियों तथा बच्चों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इस आधार पर ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि स्त्रियों और बच्चों की दयनीय स्थिति को, कमजोर स्थिति को देखते हुए उनको विशेष सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य के द्वारा सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं। तो ये भी अपवादों में शामिल है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित किए गए हैं तथा राज्य द्वारा जन्म स्थान, निवास स्थान तथा आयु संबंधित योग्यताओं का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये भी अपवाद में शामिल है क्योंकि नागरिकों के साथ इसमें भेदभाव होता है, लेकिन भेदभाव कैसा है, विवेक संगत है। समाज का जो कमजोर वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसकी उन्नति के लिए ये प्रावधान किए जा सकते हैं। किसी पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, ये छूट राज्य को प्रदान की गई है। इसी तरह से संविधान में उपाधियों की व्यवस्था न होते हुए भी देश में 1950 से भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री जैसी उपाधियां सरकार के द्वारा प्रदान की जाती रही हैं। यद्यपि 1977 में जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर इन उपाधियों को अंत कर दिया गया था और साथ ही उपाधियां प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा उपाधियों का प्रयोग भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, परंतु 24 जनवरी 1980 को भारत रत्न तथा अन्य उपाधियां एवं अलंकरणों को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। तो इसके पीछे मंशा ये है। सर्वोच्च न्यायालय में भी हम पढ़ चुके हैं, चुनौती दी जा चुकी है, वहाँ निर्णय भी आ चुका है कि ये उपाधियाँ
अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करती हैं, बशर्ते कि शासन का जो कार्य है, राज्य का ये कार्य है, वो विवेक संगत होना चाहिए और युक्ति युक्त होना चाहिए, उसमें सरकार के द्वारा मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के साथ साथ इसमें कुछ अपवाद भी सम्मिलित किए गए हैं। युक्ति युक्त जो भेदभाव है वो राज्य के द्वारा किया जा सकता है।